बब्बर किरावली में कार्यक्रम उद्घाटन में उमड़ा जन सैलाब। फतेहपुर सिकरी लोकसभा चुनाव में फिर से अपना दाव आजमा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने आज किरावली में कार्यक्रम उद्घाटन में जमकर विपक्षी दलों पर प्रहार किया व जनता को एहसास दिलाया कि कौन कितना ईमानदार नेता है। आपको बता दें कि राज बब्बर ने इस बीच कहा कि फतेहपुर सिकरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी भी समाज का कोई भी परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उस घर की महिला मुखिया होगी तो उसे हम हर महीने 6,000 रुपए महीना देंगे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल हुए। वहीं फतेहपुर सिकरी लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के किरावली स्थित कार्यालय का उद्घाटन करने आए राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महाराज वीरेंद्र सिंह ने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाबा सवाल करने से पहले राज बब्बर से पूछ तो लेता के जवाब तुझे वो देगा। जवाब तुझे राज बब्बर देता है और ये आवाज के साथ साथ कहता है जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में शपथ ली उसी दिन 10 दिन के अंदर गरीबों के घरों में 6,000 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये आप साबित में भी लगा दिए, अगर किसी ने हजाला तो किसी ने डंडा मार दिया किसी मवेशी पे तो उसमें मुकदमा भी लगा देते हो। और रात रात भर गरीब किसानों से पूछो, अपने परिवार की महिलाओं से लेके छोटे भाइयों से लेके बच्चों से लेके बड़े भाई से लेके पिता से लेके रात रात भर दो दो चार चार घंटे की ड्यूटी बजाते हैं कि हमारे खेतों में कहीं मवेशी न घुस जाए। रात रात भर जाते हैं, अगर मान लो जल्दी में किसी ने तो खेत में मवेशी घुस गया हो और उसको हकाल दिया तो पड़ोस की भेड़ छोड़ के दूसरे के खेत में घुस गया तो अपने वाले से दुश्मनी हो जाती है। लोगों की तसलियत टूट रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। योजना वालों, तुम्हारे पास में सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन ग्राम सभाओं की पड़ी है। अरे अगर तुमने नारे लगाने से पहले अगर उनको ठीक से बाउंड्री वॉल बना के अगर गौशालों में प्रदर्शित कर दिया होता तो मवेशी भी सुख से रहते खाते। ये सारे किसान वहां को जाके रोटी देते अनाज देते, इसलिए लेने पड़ेंगे कि आज इस सभा की जिन्होंने शोभा बढ़ाई है ये शोभा हमारे देश में जिन्होंने बढ़ाई है सेवा के भाव से बढ़ाई है। इन्होंने राजनीति में जब कदम रखा तो मेहनत से उतर कर नीचे जमीन पर लोगों के अंदर अपने दिल के उनके दिलों में जगह बनाई है। मैं सबसे पहले ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व हमारे पड़ोस की लोग कहते होंगे कि राजस्थान के हैं, मैं तो कहूंगा मेरे पड़ोस की है जिले जिला के न्याय के आदरणीय महाराज साहब जितेंद्र जी को मैं इस भूमि पर आपका नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आदरणीय भाई पूर्व विधायक हमारे सुरेशपाल सिंह जी यहाँ पर है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय भाई मेरी आपसे सिर्फ विनती है, मैं भैया नारे नहीं लगाता, मैं किसी का विरोध नहीं करता। अगर आपने मुझे आज यहाँ तक पहुंचा दिया कि राज बब्बर तो आज इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना के खड़ा कर दिया है और 3 बार मैंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने जाना है, किसी और को बना दीजिएगा, कार्यभार बना दीजिएगा, तो मेरी पार्टी ने कहा तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा मुझे भरोसा है, मैं 10 साल के बाद भी अपने परिवार में जा रहा हूँ, मुझे घर घर जाना पड़ेगा नहीं तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराजगियां भी होगी, मुझसे कहेंगे चलो गाँव चले गए 10 साल से तुमने मुंगा दिखाया हमने अब आ गए। मैंने कहा मुझे बताना पड़ेगा कि मैं 10 साल कहाँ गया था।
क्योंकि राजपत्र दोगुना नहीं है। हो सकता है कि आपके फोन नंबर राजपत्र में कभी नहीं काटे, अगर किसी ने फोन किया होगा कोई काम के लिए किया होगा तो उसका काम इसलिए नहीं गया होगा कि भैया सुनना कहा है। हमेशा को घर में आज भी जहां भी रहता हूं जब आपका अगर काम के लिए उंगली उठी होगी तो राजपत्र ने आपके साथ चलकर काम किया होगा। चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम रही हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा की सरकार रही हो, चाहे किसी की रही हो, आज तो अपनों की सरकार है इसलिए कोई दिक्कत होने का काम नहीं है। अरे मैं तो महाराज साहब का आभार प्रकट करता हूँ, महाराज साहब तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी और इनके लोग ही इतना काम कर देते हैं, अस्पतालों में माल जिसकी भर्ती कराओ कर देते हैं। और आज एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो चाहे अगला हो या पिछड़ा हो या दलित हो या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या यादव हो या जाट जात जात समाज का हो, लोधी समाज का हो, प्रजापति समाज का हो, निषाद समाज का हो, किसी समाज का भी हो, अगर उसकी आर्थिक हालात घर की सही नहीं है तो उसके परिवार के अंदर उसकी महिला मुखिया अगर होगी तो उसको 6,000 रुपया महीना दिया जाएगा, यानी 72,000 रुपया साल उसको दिया जाएगा ताकि अपने बच्चों का पेट पालन कर सके, उनका अपने पति को भर पेट खाना खिलाए ताकि वो जाकर मेहनत मजदूरी कर सके। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है ये 6,000 रुपया लाओगे कहां से? बाबा मुझे याद है, मुझे ये आपके आपका प्यार है। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे यहां पर काम करना है, जो मेरा काम अधूरा रह गया फतेहपुर सीकरी के अंदर, मैं यहां पर बहुत कुछ करना चाहता था। मैं यहां चाहता था जो शुरू कराए उस वक्त पहले शुरू करवाने के लिए जिसका जिक्र छिड़ा था, जिसका मैंने लिखकर उस वक्त आपको नोटिस में कहा था कि मैं यहां पर फतेहपुर सीकरी की जो माइनर आने वाली है मैं इसको चालू करवाने का काम करूंगा, इसका सर्वे करवाऊंगा। सर्वे पूरा हो गया लेकिन आज तक उस नहर का काम नहीं शुरू हुआ और फतेहपुर सीकरी की जनता को न तो सिंचाई का पानी मिला ना पीने का पानी मिला। इसी तरह से जंगल की वो, और इसीलिए आज महाराज साहब को यहां लेके आया। महाराज साहब से कहा मैंने, महाराज साहब आपका बहुत सम्मान है, राजपत्र की गवाही दे देना, अब तो राजस्थान में आपकी सरकार है, अब राजपत्र अकेला नहीं है, महाराज विशेंद्र सिंह भी उसके साथ है। मैं यहां पर पानी की मुझे नहर जो किल्लत है उसको दूर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं धौलपुर से भरतपुर की जो लाइन पानी की जा रही है उसमें से अगर एक ज्वाइंट मिल जाएगा तो मेरे लोगों को पीने का पानी। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव की मीटिंग जो मैं करता हूं हर जोड़ के वोट पहुंचता हुआ निकल जाता हूं, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पाता। आप आए हो सब जगहों से चले जा रहे हो, कह देना राज्य पर वचन देकर गया है, क्योंकि आदमी हमारे जितने भी आसपास के जिले हैं, मथुरा है, उनका आदेश है कि जिस कार्यकर्ता संबंधित लोकसभा क्षेत्र में है वो वहाँ जाए, अपनी रिश्तेदारी में अपने पर्चे पे जहाँ जहाँ जाए, गांव गांव जाए, अपने रिश्ते में सभी को जिला कांग्रेस का कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करें। राहुल गांधी जी का जो आदेश है जो हमारे घोषणा पत्र में है वो जमीन पर बताएं और लोगों को कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करें। घोषणा पत्र में एक धारा 124 जो कि देशद्रोह के आरोप में लगाई जाती है उसको हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी समर्थन करने के लिए अगर उनकी सरकार बनती है तो उसे हटाया जाएगा। कितना सहमत है इसे, क्या जनता इसे लाइक करेगी, क्या आपको वोट करेगी? घोषणा पत्र
छोड़ो कभी राष्ट्रवादी पार्टी आप देखिए जितने भी दंगे हुए हैं जितनी ज्यादा हिंसा हुई जो केवल आप चाहे 1989 के मंडल की रिपोर्ट के ऊपर दंगे हुए चाहे जातीय दंगे हुए चाहे कितनी हिंसा हुई अन्य पार्टियों के राज में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो समाजवाद को लेकर जनता के की पार्टी है तो पांच सालों से पहले कांग्रेस सरकार ने 10 साल का